आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखें तय चुकी हैं, हो चुकी हैं, और 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव का पहला फेस है। और वहीं इसी की पड़ताल करने के लिए हम जनता का मूड जानने के लिए जनता के बीच आ चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं आगरा की बाह विधानसभा में। आगरा बाह विधानसभा के बारे से पूछ लेते हैं लोगों से कि यहाँ आगरा की बाह विधानसभा से ये किस प्रत्याशी को जिताना चाहेंगे, किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाना चाहेंगे, किसको चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में बनने के लिए। मेरे साथ यहाँ मौजूद है एक भाई, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। सुनील जी, 2022 का जो ताज है मुख्यमंत्री का, इस बार आप किसको पहनाना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव क्यों? योगी जी ने तो काफी विकास कार्य कराए हैं उत्तर प्रदेश में, गंगा बहा दी है योगी जी ने। योगी जी ने सिर्फ कागजों में विकास की गंगा बहा दी है, धरातल पर कोई कार्य नहीं है। कोई कार्य नहीं। एक तो योगी जी का मेन कार्य है सांड, यहाँ से लेके वहाँ तक सारा किसान पूरी जमीन पे रात को ठटठटता है, नहीं पाता है। ये तो मेन कार्य है उनका जी। उसके बाद सब फिजूल बात है, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो वो अपने दावे से कह सके कि मैंने एक कार्य किया। योगी जी को नहीं चाह रहे हैं? नहीं। योगी जी ने राशन भी फ्री कर दिया है आप? राशन क्यों फ्री कर दिया है? अभी फ्री कर दिया है, 4 महीने बाद 3 दुगने दाम लगा के वो ले लेंगे। पहले सिलेंडर 100 रुपए का था, जब मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं थी 400 रुपए का, आज सिलेंडर 100 रुपए का है, 950 रुपए का। तो क्या कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने? कुछ नहीं, कागजों में कर दिया। सिलेंडर फ्री तो दे ही दिया आपको। फ्री दे दिया तो उससे ज्यादा ले लिया ना मैडम, ये भी तो है, उससे ज्यादा ले चुके हैं। अच्छा। 3 बार भरा लो सिलेंडर के दुगने दाम हो गए, 400 रुपए से जोड़ लो और आज 950 रुपए से जोड़ लो, कितना अंतर आ गया। और राशन जब तक ये इलेक्शन है 2 महीने के बाद कुछ नहीं, अभी ले रहे हैं उससे निकाल के साथ दे रहे हैं, उस साथ ले लेंगे अगर गवर्नमेंट आ गई। वैसे तो बनेगी नहीं इनकी, क्योंकि इनका पत्ता साफ 100%। मेरे साथ यहाँ एक और भाई मौजूद है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। ये युवा हैं, योगी जी को चाहते हैं मुख्यमंत्री या प्रियंका गांधी या फिर अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव भैया, एकदम से आपने बोल दिया कि अखिलेश यादव, योगी जी ने काफी विकास कार्य कराए हैं। कराया है, हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं कराया 5 साल के अंदर, कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ से बाहर क्षेत्र के अंदर जी। योगी जी ने तो युवाओं के लिए रोजगार की बात की, आपको रोजगार नहीं मिला क्या? नहीं, हमें तो कोई रोजगार नहीं मिला, जैसे पहला था वैसे ही है, इससे बढ़िया तो अखिलेश की सरकार में थे हम, वहाँ पे फिर भी हमारा सब कार्य कुशल पूर्वक चल रहा था। अच्छा, आज तो कुछ भी नहीं है। हाँ, काम चल रहा था, अभी तो कुछ नहीं है। जहाँ की योगी की सरकार में तो पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा बहुत अंधविश्वास काम हो रहा है, और सारे जो किसानों के गेहूं होते हैं वो सारे चल लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हाँ, कि गाय की वजह से किसान बहुत परेशान है। योगी जी तो फिर राशन तो दे रहे हैं ना आपको फ्री? राशन दे रहे हैं, उससे दुगना ले रहे हैं। मेरे साथ यहाँ और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और इनसे जान लेती हूँ कि ये किसकी सरकार चाहते हैं, ये किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ क्यों? उन्होंने अच्छा काम किया, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, लोगों को रेप करना इतना चालू कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दिया है। शासन में जो लोग बैठे हुए हैं वैसे कहते हैं कि महिला सुरक्षा एकदम सतर्क, और वहीं आज देख लो 30 दिन जो मेन मुद्दे हैं, मेन जो पॉलिटिकल वो है लीडर हैं, वही रेप कर रहे हैं, तो महिला फिर सुरक्षा कहाँ रही? ये कह रहे हैं महिला सुरक्षा कहाँ से आई? रेप वो एक आध आदमी को ऐसा निकल जाता है तो उसका कोई ऐसा थोड़ी ना है, फोटो कोई भी किसी भी नेता के साथ खिंचवा सकता है, वो भाजपा के थे लेकिन वो अलग बात है उसकी। महिला सुरक्षा है, रात में पहले औरतें बाहर नहीं निकलती थी, अब देखिए कैसे आजाद रहती है। हाँ भैया,
ये कह रहे हैं महिला सुरक्षित रात में निकल जाती है। मैडम कहाँ है महिला सुरक्षा, होटलों में ले जाते हैं, गैंग रेप करके सड़क पे छोड़ दी, जेडरी ले जाओ, फिर वही 100 नंबर जो अखिलेश यादव ने चलाई उसी पे कॉल करके बुलाया जाता है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, तो फिर कहाँ है महिला सुरक्षा बताओ। कि मेला इससे पहले सपा सरकार में भी बहुत ऐसे क्राइम होते थे, ऐसे होते थे, लेकिन उससे पहले अब बहुत कम हो गया है, और बहुत जहाँ तक है कि अब महिलाएं जो है बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। अब ये कह रहे हैं कि महिला अब काफी सुरक्षित है, पहले ज्यादा होता था अब कम होता है। अरे रजेंट उठा के देखो ना, कागजों में तो सुरक्षित है, जब बाहर दराल तल पे आएंगे कुछ भी सुरक्षित नहीं। सुरक्षित क्या, महिला को नौकरी दी हो तो बताओ, कागजों में दे दी नौकरी कहाँ है, आज तक वो रेशियो निकाल के देखो, जो अखिलेश गवर्नमेंट में जितनी नौकरी मिली उसके याद मिली हो योगी सरकार में तो बताएं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की हम लोगों ने, 69,000 शिक्षा मित्र सड़क पर ला दिए, रोज बेरोजगार नहीं बताओ कहाँ है। फिर जो आज शिक्षा मित्र बेचारे गरीब थे वो करने जा रहे थे, आज दो दो रोटी के लिए परेशान है, वो कह रहे हैं कि 69,000 दे दी, कहाँ 69,000 दे दी। किसानों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और 69 शिक्षकों की भर्तियां की गई है, नए नए रोजगार लगाए गए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस का अभी उद्घाटन किया बनाया है, तो कहाँ विकास नहीं है, पूरा विकास किया है, बताइए कौन सा विकास नहीं है। ये कह रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस लो मैडम, पूर्वांचल कौन गया यहाँ देखने, यहाँ बताओ यहाँ क्या किया इस विकास में क्षेत्र में, पूर्वांचल से पाकिस्तान से अमेरिका से हमें क्या लेन देन, हम अपनी क्षेत्रीय बात करेंगे या वहाँ की करेंगे, जिस क्षेत्र में क्या विकास है बताओ। अखिलेश यादव के कोई 5 काम गिना दीजिए। आगरा एक्सप्रेस वे, एक 100 डायल, एम्बुलेंस, बिजली, विद्युतीकरण, उसी की देन है, यहाँ कितने हो गए। आपके यहाँ लाइट नहीं आती थी पहले? नहीं आती थी, नहीं पहले 5 हो गए। उन्होंने बताया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार, आप बताइए योगी जी के कार बताइए। योगी जी के काम तो तमाम काम किए उन्होंने, तो कितने गिना, जितने गिना उतने कम है। सर 5 कार, बहुत काम किए उन्होंने मैडम, बहुत काम किए हैं, मैं इतने काम है कि गिना नहीं सकते हैं। हमने सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है, सड़कों पे आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, सड़कें बढ़िया हैं आज के टाइम में। ये कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें। मैं चलूं मैडम बगल में ही, मेरे पास में ही है, मैं दिखाता हूँ गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा और हो गए उसमें। अगर आप गाड़ी ले जाओगी तो वहाँ से निकल नहीं पाओगी, जबकि मैंने उस रोड के लिए चार बार लिखित में दिए। मैं इनसे, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर रही थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद। प्रमोद जी ये बताइए कि यहाँ जो आगरा की ये बाप विधानसभा है, यहाँ योगी सरकार में, योगी जी कहते हैं कि विकास की गंगा बहा दी हमने उत्तर प्रदेश में, गायों की गंगा बहा दी है, आपके यहाँ कितना विकास हुआ? 0% मतलब विकास हुआ लेकिन 0% हुआ। 0% ऐसा क्यों, इतना नाराज क्यों हो? तो हुआ ही नहीं। योगी जी ने देखिए राशन फ्री दे दिया, महिला सुरक्षा पूरे किए हैं, राशन में झोला दिया है भीख मांगने के लिए, झोला दिया है अपना फोटो लगा के भीख मांगने के लिए, बिल्कुल 2 महीने बाद। यहाँ लाइट नहीं आती थी, यहाँ लाइट आती है 24 घंटे पूरे गांव के अंदर, अब ये सुविधा हमारे योगी जी ने की है, 24 घंटे लाइट, 24 घंटे लाइट आती है अभी इस गांव के अंदर, 24 घंटे योगी जी ने लाइट 100% ऐसा है, 2 महीने से लाइट चली है, इससे पहले मात्र 8 घंटे लाइट चलती थी। योगी जी के समर्थक है ना वो 100% झूठे है, क्योंकि झूठों की सरकार है, झूठों की सरकार और कोई यही नहीं, झूठी बात दो जनता को लुभाओ। सपा वाले झूठे हैं, हमने कोई झूठा काम नहीं किया, जितनी योजनाएं बनाई थी सारी योजनाएं धरातल पे हैं और सारी योजना जनता के सामने, और जनता भारी वोटों से हमें जिता के विधानसभा के लिए भेजेगी। अच्छा, मेरे साथ यहाँ माता जी मौजूद है, मैं माता जी से बात करी, माता जी क्या नाम है? अच्छा बेटी जो था, मैं हंसेंगे आप अपना बात नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम ढकेली। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम है राम ढकेली जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप बुजुर्ग हैं, योगी जी की सरकार ने काफी विकास कार्य कराए हैं, आप ये बताइए कि आपके गांव में आपको क्या सुविधा मिली है? है तो भैया कुछ सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली है। मैं कहती हूँ हमारी पेंसिल वहाँ 60 साल आके आ गए, हमारी पेंसिल क्या अखिलेश यादव के समय में पेंशन मिलती थी? हाँ तब मिलती थी, हाँ 500 रुपए का महीना आवा आते थे।
अब पेंशन काट दी गई है योगी जी के। हाँ। योगी जी तो कहते हैं कि हमने वृद्धाओं को पेंशन दी है, महिला सुरक्षा के दावे करते हैं। शौचालय बना है? हाँ नहीं दिया है। हमें नहीं दिया मेरे साथ यहाँ इतने लोग मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर से बताया कि योगी जी जो बात करते हैं वो झूठों की सरकार है, झूठी बात करते हैं, जुमलेबाजों की सरकार बताई। और मेरे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि इनकी क्या राय है। सूरजवान जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार 2022 विधानसभा का जो चुनाव है, इस बार किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाएंगे, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप? अब ऐसे कैसे बता दें हम? अब नहीं बता दीजिए, अबे कैसे बता दें हम? आए अकेले थे मालूम, अगर बन जाए तो हम भी अलग कह दें। किसका मन है बनाने का? वो तो ऐसे कैसे कह दें। अच्छा ये बताइए, योगी जी के सरकार में आप कितने खुश हैं? हम तो मतलब खुश अब गए, दुख अब गए, दो चीज है। मतलब खुश भी हो? हाँ, दो दुख भी हो। 2-in-1 चल रहा है आपका? वेरी गुड। आप ये देखिए, मेरे साथ एक भाई ऐसे मिले, ये योगी जी से सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। अच्छा सुखी क्यों हैं? सुखी तो मतलब जिया का जैसा मान लो राशन वगैरह मिलतु है, ताते तो हम सुखी हो, दम देना चल रहा है, ते हम दुखी गए। अच्छा अच्छा, और दुखी क्यों हैं? व्यापार ना चल रहा है भाई, धंधे ना आ रहे, कछु का करें? हाँ काम धंधो तीना का करें बताओ। 2 महीने का जो राशन मिला उससे सुखी हैं आप? पर राशन मिला भाई, दे बस सुखी क्यों, और का मान लो और काम धंधे ना चले, दुखी है का करे आदमी बताओ। फिर किसको चाहेंगे मुख्यमंत्री? वो तो समय बता अबे कैसे कह दें। अच्छा, समय बताएगा। ठीक है, मेरे साथ यहाँ एक बुजुर्ग मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। सर 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 सर, मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिवकरण जी। शिवकरण जी, शिवकरण जी मुझे ये बताइए, इस बार 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोगों ने दौड़ लगा दी है, जो प्रत्याशी है उन्होंने टिकट मिलते ही अपने अपने दावे को दे रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं जनता पर, इस बार आप किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश को। अखिलेश यादव। अच्छा योगी जी को आप क्यों नहीं चाहेंगे? गंजन से परेशान है। गईयों से परेशान है? हाँ। अच्छा गंजन से परेशान है और मतलब कोई धंधो न चल रहा जी, जो भी परेशान है, मतलब धंधा नहीं चल रहा। और योगी जी ने तो विकास की गंगा, योगी जी ने तो विकास की गंगा बहा दी है पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई विकास नहीं हुआ आपके गांव में? हमारे गांव कोई भी विकास नहीं, लेट आई है बस। अच्छा अच्छा, तो चले आया, बाकी कुछ नहीं आया? और कुछ नहीं आया, कोई भी विकास नहीं हुआ है, परेशान हो? अखिलेश यादव को चाहते हो? सत्ता परिवर्तन। यहाँ देखिए मेरे साथ इतने लोग थे, सबने बताया कि हमें योगी जी को नहीं, हमें अखिलेश यादव चाहिए, और हमें अखिलेश यादव को ही हमें 2022 में चुनाव में मुख्यमंत्री का ताज पहनाएंगे। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कमलेश्वर, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त पब्लिक टीवी 2022 में जनता किसको चाहती है? भाई हम लोग अहमदाबाद विधानसभा मोहना है 355 अंतर्गत जो क्षेत्र परिवार ग्राम का पड़ता है, जिसमें हम जनता से पूछते हैं कि 2022 में जनता किसको आखिर चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। क्या क्या नाम है आपका? श्रीकांत पांडे नाम। 2022 में क्या क्या चुनाव चाहते हैं? सपा, कांग्रेस, बीजेपी और सपा? देखा हम तो व्यक्तिगत तौर पर हम बैजनाथ। हाँ, अगर बैजनाथ के टिकट ना मिली तब सपा का समर्थन। अरे यहाँ श्री राम सोनकर 5 साल विधायक रह चुके हैं और विकास की बात सरकार हम बताए कि हम व्यक्तिगत तौर पर बदनाथ का आदमी, अगर बदनाथ के टिकट मिले तो हम, अगर बदनाथ के टिकट ना मिले तो हम कांग्रेस के देव मुख्यमंत्री के होगा। उससे राम उसे कौन मतलब? क्या नाम है भैया आपका? 2022 में किसको चाहते हैं? ये सपा सपा का बात हो बताया। सपा में क्या खासियत दिख रही है आपको? अरे सपा में हाई रोड बनवा दवा, नौकर चाकरी फूट आवे, यूपी राज में एनसी राज में कुछ होते ना है, उसे भी तो दावा करें कि विकास का कार्य हमारा सपा में कुछ नहीं है। सपा बोलते हैं रोड में बोलते हैं ना, पता नहीं लगा सुनकर। क्या नाम है? हमारा नाम प्रभुनाथ यादव।
भाई चाहने की बात तो है, हमारा सबसे बढ़िया लोकप्रिय विधायक बैद्यनाथ पासवान, ठीक ना, जो काम किए हमारे क्षेत्र में बैद्यनाथ पासवान ने किया, ठीक ना। श्री राम सोनकर भाजपा के हैं लेकिन क्षेत्र में चेहरा दिखाने के लिए अब तक नहीं आए हैं और न कोई काम किए। बैद्यनाथ तो फिर पाँच कार्य गिना दीजिए जो 2017 में उन्होंने कोई कार्य किया होते हैं। अच्छा, सब काम उन्हीं का, बैद्यनाथ का सामने रोड है, आपके सामने है, सब स्टेशन 5-6-7 दिन लगा है क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में देखिए यहाँ पुल बन गया, पूरा मीरपुर वाला पुल भी उनकी देन है, फिर इधर पुल उनकी देन है। काम पासवान को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो नहीं तो फिर तो सोचना पड़ेगा, ठीक ना। विकास देखिए हिंदू के राशन तो आज राशन तो हम देखिए अभी जो महामारी में तो राशन का कलर अब जो भी गवर्नमेंट रहेगा वो तो देगा ना, जो गवर्नमेंट का देने सरकार जो रोजगारी बेरोजगारी के हिसाब से महंगाई के हिसाब से उसके अपेक्षा हमारा देखिए हम लोग जैसे व्यक्तिगत है, हम लोग संजय विद्यार्थी समाजवादी पार्टी है, ये सब हम लोग पार्टी से नहीं, हम लोग का क्या है युवा को क्या चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, किसान को चाहिए, काम तो रोजगार बहुत नहीं, रोजगार काफ़ी क्या दी आप बताइए ना, क्या क्या रोजगार दी, नहीं क्या क्या रोजगार में क्या दी आप, लहर तो आएगी भाई, लहर तो आने वाली है, तीसरी ने चौथी भी आ सकती है। बीजेपी सरकार में ना सही नाश हुआ, कहाँ कोई लाभ मिला, सब लोग इसके लिए भी हम लोग अध्यक्ष से बात करेंगे, हम जनता हम वोट देते हैं, हम अब वोट उसको देंगे जो हमारे दुख सुख में आए, हमारी बात सुने, हमारे विकास की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, हमके तो कुछ नहीं। नहीं जो बचा हुआ काम करा रहे हैं आप लगा बहुत काम किए हैं, यहाँ से बरहा से और जो चंदूरी का रोड है श्री राम सोनकर ही के निकाले हैं, बरीगढ़ जो बरहा का रोड गया है श्री राम सोनकर ही ने तो करवाए हैं, बहुत विकास किए हैं। योजना उनका या कोई कार्य नहीं दिख रहा है, जो कार्य दिख रहा है आपको, ये चलिए दिखाते हैं आपको कार्य, अरे रोड बनवाए हैं और जहाँ जहाँ जरूरत थी बड़ी माँ के स्थान पर बनवाए हैं, फिर से वहाँ कारा माँ के स्थान पर लगवाए हैं मशीन वशीन सब करवाए, तो श्री राम सोनकर ही तो करवाए हैं। सर लोगों को कहना है कि श्री राम सोनकर कोई विकास कार्य नहीं किया, अगर लोगों को कहेंगे ही सब वाले तो कहेंगे ही, अगर फिर से वो टिकट देंगे तो टिकट उनको देती है तो उनके बारे में क्या सोचेंगे, बीजेपी देगी तो फूल देंगे उनको, उनको ही वोट देंगे, उनके समर्थक हैं, बिल्कुल फूल, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा 355 में खुरहट ग्राम सभा में आ चुके हैं और जानते हैं कि जनता 2022 में किसको आखिर चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में देखना है।
क्या नाम है? 2022 में किसी से चाहते हैं क्या खासियत है जैसे दिखे हैं और अखिलेश? बहुत खासियत अच्छा है। बीजेपी सरकार तो आपको महीने में राशन फ्री दे रही है और तमाम चीज़ों और बिजली विभाग भी, बिजली भी आपको यूनिट कम कर दी ठीक है दे रही है, तो अपने लाभ के लिए दे रही है, अपने लाभ के लिए दे रही है, मान लो जनता कट नहीं काम करना चाहिए। हमारे कहले का मतलब ये है कि लेकिन पढ़ाई लिखा नुकसान जाती बा अपन तो माला नुकसान है कि दिहाड़ी जो भट्ठो चल तो वो बंद करा दिया लोग, अब हमारे कहाँ कमाई जाए कहाँ खाई जाए खुद हमारे भेजें पैसा। तो बीजेपी तो रोजगार की बात कर रही है और रोजगार क्या नहीं मिल रहा है? क्या रोजगार की बात है, क्या मिल रहा है हम लोगों को? बस वही मिल रहा है गेहूँ 5 किलो 5 किलो चावल ओहमे 2 किलो काट लेते हम कहाँ मिल रही है हमारे बाबा जी घंटा बनल उत्थुका नाम कि स्मार्ट कार्ड 1000 रुपये आएगा 1000 रुपया वो नहीं आई अब कैसे आई ये सरकार में कैसे जी आदमी कैसे मरी हम तो विदेश रहता जब वो को बुहार दे हाला वो में जीएसटी को लागू कर दे हाला का आदमी कमाई। 2022 में किसी सरकार बनाना चाहते हैं? अखिलेश की सरकार बनेगी जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ के सिलाम सोनकर विधायक रह चुके हैं बीजेपी से, लोग यहाँ बीजेपी को ना पसंद कर रहे हैं, सिर्फ सपा सपा की बात कर रहे हैं। 2022 में किसी चाहते हैं? सपा की सरकार। सपा में क्या खासियत है? और ये है कि यहाँ राशन मिल रहा है, मैं तो जो कुछ अगर मिल रहा है वो नहीं मिला और कुछ नहीं मिला तो राशन फ्री दे रही है और बिजली भी हमारे पास छोटी छोटी बच्चे हैं बिजली विधायक 5 साल रह चुके हैं और क्या कोई विकास कार्य किए हैं? बहुत किए हैं यहाँ अब हम बस हमारे से हुआ अखिलेश। अखिलेश में क्या दिक्कत आपकी? अखिलेश वो सरकार इतना सरकार हरामी है कि जो कहला तो पूरा करबे न कैले, सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं किया यार, एकदम टोटल ना कैला भैया, एकदम टोटल ना कैला, खाली झूठा जौन कहला तौन झूठ। राशन का मुँह पीटा हुआ राशन आज राशन का बिजली ही नहीं। अरे भाजपा दबा का कर दे, हमारो दबा कर दे कि ना आई भाजपा गई काम से कुछ ना बनी दम ना बनी कौनो बिराद रख भर चमार यही ठाकुर पंडित ये क्षेत्र में पूछ ला सब प्रथा न उनसे। दारा सिंह चौहान जो दारा सिंह चौहान अच्छा ये बताओ कहा वो भाजपा से कुल लोग भाग के आओ थो यही खाते हैं कि हम जी तो फिर जाए बात में बैन चौहान जो बीजेपी के थे और सपा में क्यों आए हैं, इनका क्या वजह रह गया जो काहे अब ओके बतावल जा वह कि मजूरन का हक मार के लेके मोदी बैठ गए ना आ पैसा वाला होला सीधी सी बात है भाजपा सरकार में दलित। अरे का उधर भैया आज तक 5 साल में अब 10 साल में का जाना कुछ कहना ना बार बार करी दलित और पिछड़ों का हम। अरे छोड़बा उकुल ऐसा तमाशा मन बहुत देख लें हम जब जाए तो पूरा इलाका सपा सपा के अलावा कहीं जाए ही ना बिल्कुल। हमारा सुरेश राजभर हम भाजपा को वोट देंगे। ओम प्रकाश सर्वा है जो पाकिस्तान बना देगा उसके बाद तो इसका मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर अगर सपा में गए हैं तो कोई भरोसा नहीं है? कोई मतलब नहीं है उसका, वो सारा फेंक जाएगा जो शिवपाल अपने चाचा का नहीं हुआ बोला अखिलेश तो क्या हो उसका हो सकता है मुसलमान का रो रहा तो उनको टिकट नहीं दिए क्या वाला भेजे। इसका मतलब है कि आप सपा से खुश नहीं है? नहीं खुश नहीं कोई, लेकिन किसको चाहते हैं? बीजेपी को चाहते हैं क्या? बीजेपी सबसे बढ़िया जो भी है जब दिल्ली में सेठ तो यहाँ भी से यहाँ के श्रीराम सोनकर भी तो विधायक 5 साल रह चुके हैं जो अभी तक कोई विकास कार्य नहीं किए मोहम्मदाबाद को हटाने और अब विकास की बात विकास की बात सपा हो भाजपा हो बहुजन हो 5 साल की बात सब सारे आते हैं वही।
पाँच साल के बाद सब लौटते हैं, बाद में कोई पहले नहीं आता है। इसे भी कोई भी पूछ लीजिए, ये धान जी है, प्रधान जी है, कोई जनता है, कोई भी का कैंडिडेट हो, वो तो साला जीतने के बाद जाता है तो पाँच साल के बाद नहीं। आप ओपी राजभर ओम प्रकाश राजभर से इतना आप कहें खपा हो गए इस बार? क्या खपा, हमारे यहाँ चौही बिरादर हमको खुदो मार के घर और विधायक जी की जवाब भी डाल दी, क्या कुछ है। एक मौजूद से डाके गए तो दूसरे मौजूद करके भर जा रहे हैं, भरों का शोषण ज्यादा हो रहा है, ज्यादा शोषण भी कोई बिरादरी हर ओम प्रकाश से कोई उतना खुश नहीं। अगर बीजेपी सपा की सरकार आती है तो क्या यादव लोग का ज्यादा राजभरों को शोषण करना स्टार्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, उसी पर नहीं हो जाएगा, पुलिस पर हो जाएगा। इतना ही उम्र का है मुलायम सिंह की सरकार थी, पुलिस को गाड़ी में पकड़ के खींच के इतना ही था, पुलिस भागते समय गोली मार दिया। 31 साल पहले हुआ होगा, चरिसा में चंदे भैरे के घर जाके पूछ लीजिए कि पुलिस गोली मारा है कि नहीं मारा है। दो भाई मुलायम सिंह थे, दो भाई को नौकरी दिया, एक बड़े बाबू है, एक अमीन के साथ चपरासी है, और पूछ लीजिए, नहीं कोई मानता है तो जाके उनके घर पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया है बीजेपी का, सोनकर के टिकट मिला था तो क्या उनके बारे में सोच ले? बिल्कुल बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि तो विकास कर रही ना, और ना कर रहे हो तो कमल कर रही है, सब वही किए हैं, वही है, सब वही धंधा किए। पासवान तो कहने की 2017 में जब हमारी सरकार थी और हम विधायक थे तो हम बहुत विकास कार्य किए, कुछ नहीं किया है, जो जो बड़े बड़े स्कूल में पैसा दे दिया है, चाहे लोग खा जाते हैं चाहे गाँव ग्राम पर घर खा जाते हैं। 2022 में किसी कहते हैं आखिर किसकी, बीजेपी या सपा और बीएसपी और कांग्रेस? जो यूथ के लिए काम करेगा उसके लिए, यूथ के लिए आखिर कौन काम करेगा, कौन काम करेगा, समझ रहे काम किया और कौन काम करेगा? खुल के बोल दीजिए ना कि कौन अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कई उनका यहाँ पे बैजनाथ पासवान भी विधायक रह चुके हैं 2017 में, और उनका कोई कार्य भी तो नहीं दिख रहा है जो आप जिस रोड पर खड़े हैं उन्हीं का रोड है ये। तो यहाँ के श्रीराम सोनकर भी और बीजेपी की दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ जो है देख लीजिए गड्ढा मुक्त सड़क दिखाई दे रही होगी, गड्ढा मुक्त सड़क दिखाई दे रही होगी कि गड्ढा मुक्त है कि क्या? वो क्या नाम है, अपने से गठबंधन के लिए चंद्रशेखर गए थे और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको क्या इस पर पार्टी का जो उनका मामला है, लेकिन भाई हर जगह जो है कि अपना एडजस्ट करना पड़ता है। चंद्रशेखर के लिए सीट दे रहे थे, उनको बड़ा सपना था, उनको बीजेपी का की तरफ से फोन आया और जो अभी तो बीजेपी के खिलाफ भी तो कई बार मोर्चा अपना अपनाए हैं, और फिर आप बीजेपी की ओर कैसे जा सकते हैं? अगर नहीं जा सकते हैं तो गठबंधन क्यों नहीं किए? उन्होंने सीटों के बंटवारा की थी, उसके बाद जा रहा था वो, तो यहाँ तक कहते कि अगर भाई अगर छोटा भाई करके अगर वो बुला देंगे तो हम चले जाएंगे, उनके यहाँ बिना सीट की भी बात हम बातों पे करना स्टार्ट कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि अगर भाई के रूप में सभा करना चाहें करें, उनका मैं सम्मान कर रहा हूँ। तो राजनाथ यादव प्रधान महासचिव 2022 में किसी से कहते हैं? हम लोग तो अखिलेश की सरकार चाहते हैं, यहाँ से श्रीराम सोनकर भी आए और 5 साल हो गया है और उनका कोई कार्यकाल? श्रीराम सोनकर का कोई ताल्लुकात इधर से नहीं, उनका ताल्लुकात केवल सिंगल से। तो क्या बीजेपी इस बार मोहनदास विधानसभा से क्या रहे? नहीं बीजेपी तो नहीं जीते, नहीं सरकार तो जितनी योजना गिना रही है उसका योजना जो है आकाश में, धरती पर कुछ नहीं। अरे 108 108 जो चलाया था उसका था, उसका नाम चेंज कर दिया, आपका नाम सुदामा है, हमने चेंज कर दिया कन्हैया है, तो सही तो है। श्री राम सुनकर तो हम लोग जन्मे किए, यानी श्री राम सुनकर सही सरकार जो ग्राम योजना दे रही है यही भिक्षा तो बांट रही है, और कौन सी सरकार जो ग्राम योजना दे रही है यही भिक्षा तो बांट रही है, और कौन सी योजना है सर? इस सरकार में जितनी लुटहास है, हम लोग प्रधान है, 50% कमीशन है, 50% में काम कराना है, हम लोग तो फजीहत में बड़े पद हम लोग को लेकर के रहना, विकास न करे तो अच्छा है, इससे क्या मतलब है? क्या इस सरकार में सिर्फ घुस कही बात? हाँ हाँ टोटल एकदम टोटल इस सरकार में भी लगाम है, अधिकारी भी लगाम है, चाहे जितना ले लें चाहे आपको जितना सता दें। तो फिर यहाँ से अगर सपा की अगर उनको बैजनाथ पासवान को टिकट नहीं मिलता तो क्या करेंगे? अगर सपा किसी को भी टिकट देती है तो हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तो आपने जाना कि
जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।